सतना जिले में अंतरजातीय प्रेम विवाह की वजह से गांव के दबंगों ने एक दलित परिवार की का जीना दुश्वार कर रखा है। लगातार हमले हो रहे, हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं, जिनका जिला अस्पताल सतना में उपचार चल रहा है। दलित परिवार में शादी होने से समाज के ठेकेदार नाराज हैं और दबंगई पर उतारू हैं। दबंगों ने न केवल दलित परिवार के साथ मारपीट की, बल्कि घर को आग के हवाले कर दिया और अब पीड़ित परिवार को गांव छोड़कर जाने की लगातार धमकी मिल रही है। घटना सतना जिले के नागौर क्षेत्र के श्याम नगर पटियन टोला गांव की है। दरअसल कुशवाहा जाति की लड़की ने चौधरी परिवार के लड़के से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। 2020 में माया कुशवाहा ने गांव के ही शोभित चौधरी से प्रेम किया और दोनों ने भागकर प्रेम विवाह किया। कुछ माह बाद ही दोनों गांव आ गए। माया के परिवार ने इस प्रेम विवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई, मगर गांव के समाज के लोग प्यार के दुश्मन बन बैठे हैं। उन्हें ये शादी मंजूर नहीं। इस शादी की वजह से गांव का कुशवाहा समाज नाराज है। कुशवाहा समाज के ठेकेदारों द्वारा चौधरी परिवार पर जुल्म ढाए जा रहे, उनके परिवार के साथ मारपीट की जा रही, जबकि लड़की के परिवार और माता पिता को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। इसके पहले दो बार इस दलित पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला हो चुका, जिसकी शिकायत नागौर थाने में दर्ज है और अब पुनः हमला हुआ है। घर में घुसकर किए गए हमले ने दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं और जमकर मारपीट हुई। मामले की शिकायत इस बार भी नागौर थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस दोनों पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच की बात कह रही है और पूर्व हुए हमले की वजह का पता लगाने की दलील दे रही है। और देवर को मारे थे और बोलते हैं कहाँ नहीं रहना, अगर रहोगे तो जान से मार डालेंगे। और गाली गलौज बोलते हैं कि आज भी बोलते हैं कि यहाँ से हाँ यहाँ से चलो वहाँ तक को हम घर में घुस कर मारेंगे। कहीं भी मिलते हैं तो बोलते हैं घर में घुस कर हम मारेंगे, धमकियाँ दे रहे हैं और बोलते हैं जान से उड़ा देंगे। सब वजह ये है कि मैं कुछ बाहा हूँ, मेरे पति चौधरी हूँ, वजह यही है। बस हमारे माता पिता तो कुछ नहीं बोलते, तीसरी बार है। तीसरी बार हाँ, और बोलते हैं कि पुलिस वाले अभी इस बार कुछ नहीं कर पाए हैं, अब इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई सुनवाई नहीं होती, ना तो एम्बुलेंस आ रही थी, ना 100 नंबर नहीं सुन रहे थे। पुलिस वाले को फोन लगाओ, बोल रहे थे कि यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी, इसका मतलब गरीब है तो कोई सुनवाई नहीं होगी। मामला दो पक्षों के बीच आपसी मारपीट का है, जिसमें कि वह पक्षों की ओर से मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है। दोनों पक्षों को चोटें हैं, जिसमें कि एक पक्ष भर्ती भी है और एक पक्ष भी नागौर में है। तो दोनों पक्षों की ओर जो प्रकरण कायम किए गए, विवेचना की जा रही है और विवेचना के बाद उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के मतलब मूल कारण की तफ्तीश कर रही है और पुराने में तो विवाद उसको संज्ञान में लेंगे, और अगर ऐसा कोई पुराना विवाद पाया जाता है उसमें क्या कार्रवाई भी देखेंगे, और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।